बेसिक्स और क्लास ली थी जिसमें हम जस्ट स्पेक्ट्रम स्टडी किए थे। इन दिस क्लास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर हम स्टडी करते हैं। हम सबसे फर्स्ट क्लास में 9 बार नंबर हम पढ़ चुके हैं, बट इन दिस क्लास वापस हम इनकी रीजन क्या है। जस्ट फर्स्ट नंबर आता है इवन नंबर, तो एवरीवन नो दैट इवन नंबर कौन से होते हैं, व्हिच डिजिट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। मींस इफ एनी डिजिट हैव वंस प्लेस इज 0 2 4 6 देन 8, या शॉर्ट फॉर्म में क्या है, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। क्लियर। नेक्स्ट आता है ओड नंबर। यहां पर बस स्टडी किया, हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं इनको, व्हिच डिवाइडेड डिड नॉट या डज नॉट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड ओड नंबर। मींस फर्स्ट डिजिट इज 1 3 5 7 9। शॉर्टकट क्या है, तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, दैट इज कॉल्ड इवन एंड ओड नंबर। फिर थर्ड आता है हमारे पास प्राइम नंबर, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है थर्ड सी, वो हमारे पूरे इसी डिबेट पे डिपेंडेंट है। अब प्राइम नंबर ऐसे डिजिट जो 2 से 3 से 4 से इसके लिए डिवाइड वाला रूल नहीं आता, इसके लिए रूल आता है उसका एक फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, अदर फैक्टर क्या होगी, वही सेम डिजिट होगी जो उस डिजिट का वैल्यू होगी। तो ऐसी डिजिट जिसमें या तो 1 का डिवाइड आ जाएगा या फिर सेम उसी डिजिट का डिवाइड होगा, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास में प्राइम नंबर। जैसे कि 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। अब इसमें आप देख सारे साल मोस्ट ऑफ दिखते क्या आ रही है, और डिजिट आ रही है सिवाय 2 को रिमेन करके, बाकी सारे क्या आ रही है, और डिजिट। और नेक्स्ट नंबर ली मोस्ट ऑफ 7 और 3, ये जो डिजिट आएगी वो किसमें आती है, और नंबर में आती है। ये सारे जो डिजिट आते हैं वो किसमें आती है, प्राइम नंबर। तो आपके पास बुक में प्राइम नंबर का एक अच्छा सा ब्रोशर दिया हुआ है, तो जस्ट आपको रिमेंबर रखना है कौन से डिजिट प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड नेक्स्ट नंबर आपके आते हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट क्या होता है, प्राइम नंबर का रिवर्स होता है। प्राइम नंबर जहां सेल्फ डिजिट डिवाइड हो रही थी, बट कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं ऐसी डिजिट जिसके 2 से मोर देन क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। लाइक दैट ऐसे एग्जांपल लेंगे हम 4, इसे फैक्टर क्या होता है 1 2 एंड 4 सेल्फ है। 6 डिवाइड करें तो 6 से फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 एंड अगेन 6, यानी ऐसे डिजिट जिसके 2 से मोर क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। क्लियर रहेगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में ट्विन प्राइम, यानी प्राइम तो है ये बट इसका क्या वापस ट्विन। ट्विन का मतलब ये होता है कि ऐसे डिजिट जो पेयर बनाए जो क्या आते हैं, नियरेस्ट आते हैं और प्राइम आते हैं, लाइक दैट 3 एंड 5 ट्विन प्राइम है, नियरेस्ट ही है। नेक्स्ट 5 एंड 7, नेक्स्ट 11 13, नेक्स्ट 17 19, नेक्स्ट ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें बीच में ट्विन प्राइम नहीं है। यानी कि ऐसे डिजिट जो नियरेस्ट होते हैं बट ट्विन में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम। आगे समझ में, यानी ऐसे 2 डिजिट ट्विन प्राइम होंगे जो नियरेस्ट क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं और नियरेस्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, फिर आता है प्राइम ट्रिपलेट। अब प्राइम में भी क्या है, क्या ट्रिपलेट, इसी में एग्जांपल है 3 5 7, ये क्या है ट्रिपलेट ही है, ये पूरा पूरा क्या बनेगा, ये ट्रिपलेट प्राइम नंबर बनेगा। इसका आपको ये एग्जांपल ध्यान रखना है। और अगर हम आपस मैच अगर बने बहुत डिस्टेंस में बनेंगे जो बहुत ही रेयर चांस मानते हैं, बट फर्स्ट आपका 3 5 7 ये क्या होता है, ट्रिपलेट प्राइम नंबर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास में आता है को प्राइम, यानी सब नंबर किस पर आ रहे हैं, प्राइम नंबर पर ही आ रहे हैं। तो आप इसको माइंड फिट कर लें कि प्राइम नंबर तो क्या होते हैं, ओड नंबर ही होते हैं, बट ट्विन प्राइम जब 2 साथ में होंगे, प्राइम ट्रिपलेट जब 3 प्राइम नंबर साथ में होंगे। अब को प्राइम नंबर में होता है कि ऐसे डिजिट डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉमन है, यानी कि इसमें प्राइम नंबर में आपको को प्राइम मतलब क्या होता है, ऐसी डिजिट है जो इवन भी हो सकती है ओड भी हो सकती है। जैसे कि को प्राइम चेक करें 2 एंड 3, इसमें 2 क्या है प्राइम नंबर है और साथ साथ नियरेस्ट 2 और 3 आ गया। अगेन चेक करें
3 एंड 4. अब फ्रॉम 4 ऐसे डिजिट है जो को प्राइम तो है, मतलब प्राइम नंबर तो है जिसमें केवल उसी डिजिट का डिवाइड किया जाता, बट ये 4 क्या आपके इसके 1 देन 4 फैक्टर भी हो सकते हैं, बट 3 तो आपके क्या है प्राइम नंबर ही है, 4 आपका इवन नंबर है, तो इसको आप 3 और 4 को भी आप इसमें लिख सकते हैं. ठीक है, फिर 4 5 5 6 यानी ऐसे दो नियरेस्ट नंबर लेने हैं जो प्राइम नंबर हो और साथ में उस ऐसी डिजिट जिसके फैक्टर भी हो सकते हैं. जैसे 4 के इसमें फैक्टर हो रहे हैं 1 2 4, और 3 क्या है प्राइम नंबर, तो उसको जब नियरेस्ट आते हैं तब उनको को प्राइम नंबर उनको कह सकते हैं. ठीक है, फिर आता है लास्ट आपके परफेक्ट नंबर. परफेक्ट में इस बात कह रहे हैं कि ऐसे डिजिट जिसको अगर प्लस करें तो वो डिजिट आ जाए और मल्टीप्लाई करें, यानी प्लस करें तो आपके क्या आ जाए डिजिट आ जाए. जैसे आपके एग्जाम में लिखा हुआ 6, 1 प्लस 2 प्लस 3, उनके फैक्टर यही होते हैं. अब 6 7 8 9 10 11 12, तो आपका 6 2 जो कितना होता है 12, वो भी 6 टेबल में फाइंड आउट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं को प्राइम यानी परफेक्ट नंबर. भाई साहब मैं ऐसे डिजिट जिसको 1 2 3 6 परफेक्ट में प्लस किया कितना आ गया 12, और 12 से डिजिट में क्या आता है फाइंड आउट होता है, तो दैट इज कॉल्ड कंपोज परफेक्ट नंबर. यानी कि इसमें डिफरेंस क्या स्टडी करेंगे, द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ नंबर. यानी कि सबका सम किया वो क्या होता है इस डिजिट का 2 टाइम्स है, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर. और एक एग्जांपल लेते हैं 28. 28 चेक करें, इसका 1 2 4 7 14 और लास्ट क्या होगा 28. अब ये सबको प्लस करके कितना होते हैं 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28 28 28 कितने होते हैं 56, और 56 वापस इसका क्या है 28 मल्टीप्लाई 2 कितना आता है 56 आ रहा है, तो इसमें 28 भी क्या हो गया परफेक्ट नंबर. देन ऐसी डिजिट जिसकी अगर प्राइम फैक्टर किए जाए उनको ऐड करें तो उस डिजिट से क्या हो डबल फाइंड आउट होते हैं, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर. क्लियर हो गई. अब वापस हम बात करें एक्सरसाइज की. एक्सरसाइज में बहुत छोटी जस्ट फॉर ओरल ही है, इसमें मोस्ट ऑफ द आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या करना है वो हम आपको हिंट दे देते हैं. तो क्वेश्चन के साथ साथ आप बुक से चेक करते रहिएगा कि हम कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन इसमें क्या करना है फाइंड आउट करना है. ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट नंबर दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम, तो आपको प्राइम नंबर बेसिकली दिख गया होगा 29 प्राइम नंबर है और 83 प्राइम है, तो आपको प्राइम नंबर पता चल गया. उसी प्रकार नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है विच नंबर आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट कौन से हो सकते हैं, तो 18 हो सकता है 12 हो सकता है, ये क्या होंगे सॉरी फर्स्ट सेकंड में आपको 69 हो सकता है 59 है 15 है या फिर 96 है, ये सब आपके क्या होंगे कंपोजिट नंबर. थर्ड में आपको सम ऑफ टू ओल्ड प्राइम नंबर, अब इसमें आपको देख लीजिए थर्ड वाला को थोड़ा समझें कि थर्ड वाला को क्वेश्चन क्या रखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सम ऑफ टू ओल्ड प्राइम नंबर. जैसे आपको 12 को क्या करना है ऐसे डिजिट को प्लस करना है जो क्या हो ओल्ड नंबर, लाइक दैट 7 प्लस 5 दोनों क्या है ओल्ड नंबर है, तो 7 5 कितना हो गया 12 हो गया. तो ऐसे आपको थर्ड वाला क्वेश्चन चेक करना है कि ऐसे कौन कौन से ओल्ड नंबर लें ताकि आपकी जो डिजिट दी हुई है वो आपकी क्या आ जाए फाइंड आउट हो जाए. ठीक है, इसमें आपको ओड नंबर प्लस करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर भी आपको ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग एज ए सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, तो हमने ट्विन प्राइम नंबर स्टडी किए थे उससे आपको ये सेल्फ ट्राई करना है. और फाइव है वो कह रहा है सम ऑफ थ्री ओड नंबर, यानी इसमें आपको थ्री ओड प्राइम नंबर लेना है. जैसे 15 दे रखा है 7 5 कितना हो गया, सपोज करिए आप कितना दे रखा है 15 दे रखा है 7 5 12 12 आ गया प्लस 3 करें तो कितने हो जाएंगे 15 हो गए, तो ये आपके फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना है. फिर क्वेश्चन नंबर 7 करें 6 करें, तो इसमें आपको फॉलोइंग पेयर आ को प्राइम नंबर, आपको चेक करना है कौन से फॉलोइंग पेयर को प्राइम है या नहीं है, जस्ट आप इसमें सेल्फ ट्राई करते पीछे आपकी इंडेक्स इसमें बनी हुई है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है 8 9 10 11, अब जैसे 11 वाला क्या है
तो लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 40 टू 60. तो 40 से स्टार्ट करें, 41 क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया. ये क्वेश्चन आपको इधर समझा रहा हूं. बाकी आपके जो 7 8 9 10 है वो जस्ट 1 1 22 डिजिट के नंबर है, वो आप सेल्फ स्टडी करें और राइट करें. इफ एनी प्रॉब्लम रिप्लाई देना. 11 आपको क्या लिखा हुआ है, 40 60 तक 41 हो गया, 43 47 अगेन 53 और लास्ट क्या होगा 57 होगा, नहीं होगा क्योंकि 57 कौन से टेबल में आते हैं, 3 टेबल में आते हैं, 93 टेबल में भी आते हैं. ठीक है, तो ये आपके 11 वाला आपने वैसे लिख लें जो प्राइम नंबर आपको दे रखे हैं. ठीक है, फिर आगे से अगर आपको 12 13 14 में लिखा हुआ नया 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर 10 टू 79 एंड 18 तक 5 नंबर पेयर बनाना है. 15 16 17 आपको कह रहा है राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम. यानी यहां से आपको नंबर लिखने हैं जिसमें कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, कंटिन्यू 1 2 3 4 जो क्या होते हैं कंटिन्यू होते हैं. तो आपको इसमें भी कंपोजिट नंबर लिखने हैं जिनके बीच में क्या हो जाए कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे आपको डिजिट फाइंड आउट करनी है. फिर आता है 18 डिजिट, द डिजिट द 1 प्लस ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 5 विल बी कंपोज्ड ऑफ प्राइम. तो आपको ये सेल्फ अंडरस्टैंड करके करना है कि 3 डिजिट क्या है, 5 नंबर है, तो उसको आप कैसे सेल्फ करेंगे. फिर आप करते फिर ब्लैंक जो आप पीछे वाले जो गाइडलाइन थी इन सारे नंबर को अंडरस्टैंड करके सेल्फ करेंगे. इसमें मैं आपको जस्ट हिंट दूंगा क्योंकि आपको ये सारे सारे और भी बेस एक्सरसाइज है जिसमें आपको लर्निंग बेस ज्यादा है. अगर आपको लर्निंग बेस कंप्लीट है तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं. ठीक है, और फिर कोई डाउट होता है तो आप चुपचाप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.